बतनावे मेरा बतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरे असमत पे मैं कितना नसीब वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी है मेरी आरजू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में, और हम ब्लड रिलेशनशिप का काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए दोस्तों, आज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर कि नीतू की तरफ इशारा करते हुए कोमल कहती है, नीतू की तरफ, ये नीतू है, इसके तरफ इशारा करते हुए कोमल कहती है। देखिएगा दोस्तों कि कहते हैं कि इसकी मां, किसकी मां, नीतू की मां, नीतू की मां, ध्यान दीजिए, इसकी मां। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे एकदम बिल्कुल सोल्व हो जाएगा दोस्तों, कि इसकी मां है ना के बेटे की इकलौती बेटी है, इसकी मां के बेटे, नीतू की मां के बेटे, नीतू का क्या होगा, भाई होगा। अब भाई के इकलौती बेटी, भाई के इकलौती बेटी, ये बेटी कौन है, कोमल है। भाई के इकलौती बेटी कौन है दोस्तों, कोमल है, ध्यान दीजिए। अब भाई के इकलौती बेटी क्या है, कोमल है। ये दोनों भाई बहन हैं और भाई के बेटी भतीजी होती है, ठीक है दोस्तों। तो कोमल जो है ना नीतू को क्या लगेगी, तो कोमल नीतू को भतीजी लगेगी और नीतू कोमल को क्या लगेगी, तो बुआ लगेगी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि कोमल है ना, नीतू कोमल से किस प्रकार से संबंधित है, तो भाई की बेटी क्या होता है, भतीजी, यानी नीतू हो गई बुआ, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका बुआ, है ना, बुआ आपका क्या हो गया, आंसर बुआ अर्थात फुआ, है ना, बुआ फुआ दोनों एक ही होता है दोस्तों, बुआ आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। काफी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि यह नीतू से जो कोमल का संबंध है वह बुआ का संबंध है। अब आइए दोस्तों, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे, है ना। पहले इस क्वेश्चन को इरेज कर लिया जाता है दोस्तों, काफी बेहतरीन टाइप है ब्लड रिलेशन का, और एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, मजा आने वाला है एकदम, जो भी क्वेश्चन होगा एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, कौन कह रहा है, आदमी कह रहा है, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए आदमी कहता है, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए, मानिए आप, है ना, औरत की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या कह रहा है, कहता है कि मेरी मां की, है ना, यह मेरी मां, यानी आदमी की मां, एकदम आराम से सीखेंगे दोस्तों, आदमी की मां। अब आइए, आदमी की मां है ना, क्या कहता है, यह मेरी मां की बेटी की मां है, मां की बेटी, यानी मां की बेटी क्या होती है, बहन, बहन की कौन है, औरत क्या है, मां, है ना, क्लियर से समझिएगा। तो बहन ये औरत जो है, ध्यान दीजिएगा, औरत, अब आपको ध्यान देना यहां होगा कि बहन की मां है कौन, औरत,
तो बहन की माँ मेरी भी माँ होगी, क्लियर है ना, बहन की माँ मेरी भी माँ होगी। तो आपसे पूछता क्या है कि बताइए आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंध है। तो आदमी औरत से है ना, यानी यह आदमी औरत से है ना पुत्र का संबंध है ना, ठीक है, पुत्र आपका आंसर हो जाएगा, बात समझिए है ना, पुत्र आपका क्या हो गया आंसर। बहन की, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहन की माँ जो होती है, बहन की माँ है ना मेरी भी क्या होती है, माँ होती है ना। तो आपको ध्यान देना है कि एक बार और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि आदमी एक औरत की तरफ इशारा करते हुए आदमी कहा कि मेरी माँ, यानी आदमी का माँ, मेरी माँ है ना कि बेटी की माँ है, मेरी माँ है ना कि बेटी, यानी मेरी माँ की बेटी बहन हो गई। अब बहन की क्या है, माँ है, तो बहन की माँ क्या होगी, मायन होगी दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो पुत्र का संबंध हो गया है ना, पुत्र अर्थात बेटा का संबंध हो गया दोस्तों, आइए दोस्तों है ना। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्या है? एक आदमी की तस्वीर की ओर देखते हुए एक आदमी ने कहा कि यह आदमी हो गया और ये आपका तस्वीर हो गया, तस्वीर हो गया और यह आदमी हो गया। अब देखिए इसके तरफ देखते हुए कहता क्या है, अब क्वेश्चन पढ़े। एक आदमी के तरफ तो एक आदमी क्या कहता है, एक आदमी की तस्वीर की ओर देखते हुए एक आदमी ने कहा, यह आदमी इसका तस्वीर देखते हुए कहता है कि कहता क्या है, कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यानी भाई और बहन नहीं है। अब आइए दोस्तों, यानी यह तस्वीर जो कहता है, यह तस्वीर के बारे में कह रहा है, इस तस्वीर के बारे में यह आदमी कह रहा है कि न यह मेरा भाई है और न यह मेरा बहन है, ठीक है, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कहता क्या है कि एक आदमी की तस्वीर की ओर देखते हुए एक आदमी ने कहा, मान लीजिए कि यह तस्वीर है, तस्वीर को देखते हुए एक आदमी कहता है, ध्यान दीजिए यह आदमी क्या कहा, पढ़ेंगे आप क्वेश्चन को, हम लोग पढ़ेंगे, कहता है, कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, है ना, चलिए, पर उस आदमी के पिता है ना, उस आदमी के पिता यानी तस्वीर के जो पिता है, ठीक है, इसके पिता है ना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इसके पिता, आइए क्वेश्चन को, इस आदमी के पिता यानी इस तस्वीर के पिता, ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे है ना, तस्वीर के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटा है, मेरे दादा यानी मेरे जो दादाजी है, इस आदमी के दादा, दादा के है ना इकलौते क्या है, बेटा है, इकलौते क्या है, बेटा है, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आपको क्लियर क्या करना है, दादा के इकलौते बेटा क्या होता है, जरा दोस्तों, दादा के इकलौते बेटा क्या होता है, पिता होता है, खूब गौर से समझिएगा दोस्तों, दादा के इकलौते बेटा
क्या हो गया, पिता हो गया। तो यह जो है ये तस्वीर वाला है ना, ये इसका क्या है, पिता है, पिता है, देख लिए। ये दादा, ये इस आदमी के दादा के इकलौते क्या है, बेटा है। तो ये तस्वीर वाला, ये तस्वीर इसका क्या है, ये तस्वीर वाला के ये पिता है और ये दादा के इकलौते क्या है, बेटा है। तो दादा का इकलौता बेटा होगा, ठीक है, दादा का इकलौता क्या है, बेटा है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, कहता क्या है कि क्वेश्चन में आपको कहता है कि आदमी के दादा, दादा के बेटा, यानी अब पहले ही क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं। अब मान लीजिए कि यहां मैं खुद हूंगा स्वयं, यानी मैं हूं यहां, तो मेरे जो दादा होंगे, मेरे दादा, ठीक है, मेरे दादा के बेटा मेरे पिता होंगे, अब मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो ये तस्वीर क्या है, स्वयं का है, यानी खुद का है ना, ये अपना ही तस्वीर की ओर दिखा रहा है, यानी इसमें जो ऑप्शन है वह अपनी आंसर हो जाएगा, समझ गए दोस्तों, है ना, ठीक है। आइए दोस्तों, अब इसको हम लोग इरेज करेंगे, है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन सर लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होगा दोस्तों, है ना, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा इसके ओर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आइए दोस्तों। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, है ना, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने बेटे की तस्वीर देखते हुए एक आदमी ने एक महिला से, है ना, कहा, ये आदमी है, जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, अब ध्यान देना क्या है, यह आदमी अपना बेटा का तस्वीर देख रहा है, किसका तस्वीर देख रहा है, बेटा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और कह किस तरह से रहा है, कह महिला से रहा है, खूब गौर से समझना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, कह किस तरह है, महिला से कह रहा है, और तस्वीर किसका देख रहा है, अपने बेटा का तस्वीर देख रहा है। अब आइए दोस्तों, कहता है ना कि इसकी मां, किसकी मां, जिसका तस्वीर दिखा रहा है उसका मां, किसका तस्वीर दिखा रहा है, अपने बेटा का तस्वीर दिखा रहा है, इसकी मां यानी बेटा की मां, बेटा की क्या, मां, क्लियर है भाई, बेटा की क्या है, मां, इसकी मां यानी बेटे की मां। आइए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, है ना, इसकी मां कहा कि इसकी मां तुम्हारी मां की, तुम्हारी मां की अर्थात महिला की मां की, महिला की क्या, मां की। अब देखिए दोस्तों, अब हो गया क्लियर, हो गया है ना कि तुम्हारी मां की एकमात्र, है ना, बेटी है, तो तुम्हारी मां की एकमात्र बेटी हमारे बेटा के क्या होगा जी, माई होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मां की एकमात्र बेटी स्वयं महिला होगी, मां की एकमात्र बेटी होगी तो स्वयं महिला होगी, और यह महिला मेरे बेटे का क्या होगा, मां होगा, माताजी हो गए, है ना, तो हम इस महिला से किस प्रकार से संबंधित हो गए, या आदमी इस महिला से, अब बेटा की मां क्या होती है, पत्नी, पत्नी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ना, क्लियर समझ पा रहे होंगे आप, यानी कहा कि नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते, अगले स्टेप में पढ़ते हैं कि इसकी मां मेरी बेटी की मां तुम्हारी मां की एकमात्र बेटी है, यानी मां की एकमात्र बेटी स्वयं महिला हो गई, अब महिला जो है, ये महिला और ये महिला दोनों सेम ही ना हुआ जी, तो जब यह इसका क्या हो गया, इसके बेटे का मां होगा कौन, ये महिला, तो इस आदमी का क्या होगी, ये महिला, इस आदमी का यह महिला, है ना, पत्नी हो जाएगी, यानी पत्नी आपका क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा।
पत्नी आपका, पत्नी ही आपका आंसर हो गया दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, एकदम इत्मीनान से सीखेंगे ब्लड रिलेशनशिप का, बेहतरीन पार्ट लेकर आए हैं दोस्तों, है ना। आइए दोस्तों अब हम लोग कुछ और आगे की ओर बढ़ेंगे, एकदम आप इत्मीनान से सीख रहे ब्लड रिलेशन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कह रही है, यानी ये महिला यहां हो गई और यहां पुरुष, पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कह। अब देखना क्या है, महिला ने कहा कि इसकी मां, किसकी मां, पुरुष की मां, पुरुष की माता जी, पुरुष की मां, आइए दोस्तों पुरुष की मां, इसकी मां अर्थात पुरुष की मां, है ना, इसकी मां, है ना, कहा कि इसकी मां मेरी मां की इकलौती पुत्री है, मेरी मां, मेरी मां की, इकलौती क्या है, पुत्री, ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है जी, मां की इकलौती पुत्री क्या होगी, स्वयं महिला होगी, जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी मां, है ना, गौर कीजिएगा दोस्तों बात को, गौर कीजिएगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कहता है क्वेश्चन में क्या कहता है कि, कह रहा है क्वेश्चन में कि इसकी मां, किसकी मां, पुरुष की मां, मेरी मां की इकलौती पुत्री है, ये जो है ये पुरुष की मां जो है ये महिला की मां की इकलौती पुत्री है, तो महिला की मां की इकलौती पुत्री क्या हो जाएगी, स्वयं महिला ही हो जाएगी, यानी महिला ही स्वयं इसका क्या होगा। अब कहता है कि यह महिला इस पुरुष से, तो यह इसका क्या होगा, यह स्वयं महिला को दर्शा रहा है, बात को समझिएगा, तो यह पुरुष इस महिला का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, बेटा हो जाएगा दोस्तों, है ना। फिर से समझने का प्रयास करेंगे एक और, एक बार और, है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम मजा आने वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, यानी पुरुष की मां महिला की मां की पुत्री है, और कैसी पुत्री है, इकलौती पुत्री है, तो महिला की मां की इकलौती पुत्री स्वयं महिला होगी, जो क्या है, पुरुष की मां है, तो पुरुष की मां कौन है, स्वयं महिला, तो महिला से, है ना, इस पुरुष में क्या संबंध है, तो ये पुरुष जो है ना इस महिला का बेटा हो जाएगा दोस्तों। देखते रहिए अल्फा स्टडी, दैट्स ऑल, थैंक यू।